हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल आर्टिस्ट लाड़े आपका स्वागत है। आज मैं केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर परमाणु की संरचना का मैं अध्ययन करवाऊंगा, जो कि एक टॉपिक है मिल्कन की तेल बिंदु विधि। उसको मैं एक अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके आपको समझाऊंगा। तो चलिए समझाते हैं, आइए। तो देख सकते हैं गाइस, मिल्कन की तेल बिंदु विधि, इसमें मतलब मिलिकन जो अपने साइंटिस्ट थे, उन्होंने कणित्र कणित्र एक लिया, जिसमें से मतलब वो मतलब उसमें कुछ तेल भरा था, ठीक, तेल भरा था जो कि तेल भरा था, ठीक। वो जब तेल से उसको पंप करते हैं, जब वो तेल की बूंद इधर आती है, ठीक। ये है आवेशित प्लेट, यानी प्लस धातु की प्लेट है जो कि प्लस है, और ये नीचे है जो कि है ऋणात्मक प्लेट, ठीक। और जो कि स्रोत से किरण पुंज है, जो कि इधर से इसको जब प्रकाशित किया जाता है, जो तब ये तेल की बूंदों से जब वो टकराता है, तो वह इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन माइनस इलेक्ट्रॉन के चार्ज, ये स्रोत से किरण पुंज जाते हैं जो कि तेल बिंदु से टकराती हैं, तो माइनस इलेक्ट्रॉन उनमें उत्पन्न होता है। जो कि फिर जो जो मिलिकन सर थे, उन्होंने दूरबीन से देखा, उन्होंने पाया कि जो मतलब जो तेल बिंदु हैं वो इलेक्ट्रॉन वो हो गए, मतलब उनमें नेगेटिव चार्ज आ गया है, तो वो अब वो प्लस की ओर जाएंगे, यानी वो प्लस की ओर गमन करेंगे, मतलब इधर से ऊपर की ओर गमन करेंगे। इस प्रकार उन्होंने जो इन बूंदों के गिरने की दर को मापकर मिल्कन के तेल की बिंदु के द्रव्यमान को माप सके, और फिर कक्षा के अंदर की वायु को एक्स किरण पुंज प्रवाहित करके आयनित किया गया। उसके बाद तो थैंक यू, बस इतना ही था। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।